सर, जिसमें हमारे बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी की सारी उसमें अवेलेबल हो। बिल्कुल, मीन्स कि वो मील, वो डाइट जिसमें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रेशियो में हो, और वो रेशियो हर एक के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। बट जनरली हम देखते हैं कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ज्यादा फोकस रहते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे आता है सीवम, बिकॉज देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम हार्मोन प्रोडक्शन के लिए और ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी है। तो देखिए पहले भी मैं डाइट प्लान देता था, सप्लीमेंट्स रेकमेंड करता था, बट जब मैंने एज ए सप्लीमेंट सी बकथॉर्न को डाइट प्लान में ऐड किया तो बिलीव मी आई स्टार्टेड गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आज जब मैं अपने क्लाइंट्स का फीडबैक लेता हूं तो उसके बाद मैं आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि दिस सी बकथॉर्न इज द बेस्ट सप्लीमेंट दैट आई हैव एवर रेकमेंडेड। दूसरे फैक्टर की अगर बात करें हेल्थ के, तो दूसरा फैक्टर है स्लीप साइकिल। हम सब जानते हैं कि स्लीप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि जब अकॉर्डिंग टू स्टडीज जो रिकमेंडेड 7 to 8 hours की स्लीप है, उसमें लगातार हर एक घंटा कम होने पर अराउंड लिवर में अराउंड फैट एक्युमुलेशन के चांसेस 24% तक बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो यहां पर भी सी बकथॉर्न का मैं रोल आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कुछ यूनिक स्पेशलिटीज में से एक है 5-HTP, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमें जनरली डाइट से मिल जाता है, बट हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जनरली हमें नहीं मिलता। ये रिलीज कराता है हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन, जो बाद में कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में, जो हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो इन दिस वे सी बकथॉर्न के इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर मैं यहाँ पे अगर बताने लग जाऊं तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा। और एक चीज एक बारे में और भी मैं बात करना चाहूंगा कि मोटिवेशन। आज अभी जब अपने क्लाइंट से हम बात करते हैं तो जनरली लोगों के एक कंप्लेंट होती है कि भाई हमें टाइम नहीं मिलता, या इसमें अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तो मेरा उनसे बस यही जवाब होता है कि हम हर उस चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। और देखिए मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर बात करें कि किसी को वेट लूज करना है, 2 महीने के अंदर वेट लूज करना है, घर में शादी है, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि आपको हेल्दी फील करना है, आपको अपनी हेल्थ को एंजॉय करना है, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब हम अपने क्लाइंट से कस्टमर से बात करें तो सबसे पहले फोकस करें कि उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप करें। अगर हमने उनके इंटेंसिव मोटिवेशन को डेवलप कर दिया तो हाफ द बेटर वन, उसके बाद अपना सी बकथॉर्न का भी उनको बेनिफिट सारे उनको बता सकते हैं। तो इन्हीं सबसे इंस्पायर होकर हमने अपना एक हेल्थ सेंटर खोला है, फिट लाइफ सेंटर फॉर होलिस्टिक हेल्थ। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी इंटेंसिवली मोटिवेटेड।